नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का लौकिक रूप से त्याग कर देने से सिद्धि नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्नेसना देव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, कारण निष्काम भाव से कर्म करने पर भी कर्म योग की सिद्धि होती है। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म किए बिना नहीं मिल सकती। मनुष्य के अंतकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर यह वेग मिटता नहीं, प्रत्युत बढ़ता है। कर्म योग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है जिस प्रकार बीज को भूनने या उबालने पर उसमें पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्यों के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। कारण कर्म मात्र का संबंध संसार से है और अपने स्वरूप का संबंध परमात्मा से है। अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं, इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन का त्याग करना आवश्यक है। अतः कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, प्रत्युत अहमता का त्याग ही मुख्य है। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। उसका आशय कर्तव्य कर्म कराने में है, उड़ाने में नहीं। इसलिए भगवान कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है कि जब साधक अपना कल्याण चाहता है तब वह संसारिक कर्मों से ऊब जाता है और उन्हें छोड़ना चाहता है। इसी कारण अर्जुन भी कर्मों से ऊब कर भगवान से पूछते हैं कि जब कर्म योग और ज्ञान योग दोनों प्रकार के साधनों का तात्पर्य समता से है, तो फिर कर्म करने की बात आप क्यों कहते हैं? मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? परंतु भगवान ने दोनों ही प्रकार के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं, प्रत्युत कर्म कराने में है। हाँ, भगवान कर्मों में जो जहरीला अंश कामना, ममता और आसक्ति है, उसका त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उनसे अपना संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। कर्म योगी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगाता है और कर्मों तथा पदार्थों के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता। ज्ञान योग में सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है। अतएव ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्मों के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। प्राय सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही कर्म, पदार्थ और व्यक्ति से उनकी अरुचि होने लगती है, परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से यह आराम विश्राम की इच्छा ही है जो साधक की उन्नति में बाधक है। साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग न करके इनमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है। गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का भी आदर किया है, परंतु एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष संकल्प और विकल्प में और तामस पुरुष निद्रा, आलस्य, प्रमाद में अपना समय बिताता है, जो पतन करने वाला है। इसलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए, अर्थात संसारिक कर्मों का त्याग करके परमार्थिक कार्य करने में ही उनकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए,
परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको वह तत्परता पूर्वक करे। उस कर्म में उसका राग नहीं होना चाहिए। राग न तो जन समुदाय में होना चाहिए न अकर्मण्यता में। कहीं भी राग न रहने से साधक का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना भूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है। अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात उसमें अहमता ममता न रहना ही वास्तविक एकांत है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।